दीक्षांत स्कूल चंडीगढ़ थेकला भवन विखे प्रोग्राम दे विच प्रोग्राम करवाया गया जिथे TDX मोटिवेशनल स्पीकर नू स्कूल दे विद्यार्थियों दे नाल रूबरू करवाया गया। स्कूल चेयरमैन मितुल दीक्षित ने दस्या कि दीक्षांत स्कूल TDE दे नाल जुड़िया होया है अते इस दे लई TEDX दे नाल एह प्रोग्राम करवाया गया। इस मौके वख वख खेतरां दे 9 मोटिवेशनल स्पीकर ने विद्यार्थियों दे नाल कुछ अनुभव अपने सांझे कीते। नारियल के पत्ते से स्ट्रॉ बनाना एक छोटी सी बात दिखाई देती है, मगर ये बिजनेस बन जाएगा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आज इससे 15 से 16 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सजीत जी। सजीत जी, अपना नाम बताएं, पूरा क्या है? मेरा नाम सजीत वर्गीस है और मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, पर मुझे ग्रास रूट्स इनोवेशन में इंटरेस्ट है और उसी कारण मैंने स्ट्रॉ का इन्वेंशन किया। स्ट्रॉ का इन्वेंशन जो किया आपने वो नारियल के पत्ते से, तो वो कैसे आगे बढ़ा, उसकी पूरी स्टोरी हमको सुनाएं, उसकी पूरी जर्नी के बारे में बताएं। तो हमारा कैंपस जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, वहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं और एक दिन पहले एक सज्जन आए थे नेदरलैंड से, उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो वो मेरे जहन में थी। और दूसरे दिन जब मैं कैंपस में घूम रहा था तो मेरी नज़र एक सूखे हुए नारियल पत्ते पर पड़ी, तो मुझे लगा क्यों ना हम इसी से स्ट्रॉ बनाने का कोशिश करें, और मुझे वैसे भी इनोवेशंस में इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने उसको घर ले गया और अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करने लगा, और एक बार जब मैं उसे स्टीम कर रहा था तो उसमें एक नाइस शाइन आ गया। तो अब मुझे पता चला कि इन सूखे पत्तों में, जिसको अक्सर जला दिया जाता है, और इसमें नेचुरल वैक्स होता है जो बॉडी के लिए एक्चुअली हेल्दी है। और फिर एक हफ्ते के परिश्रम के बाद मैंने वर्ल्ड का सबसे पहला मल्टी लेयर ड्रिंकिंग स्ट्रॉज बनाया, जो आज हम लोग 5 गांवों में 107 महिलाओं को रोज़गार देकर करीब 8 से 10 लाख तक का स्ट्रॉ हम बनाते हैं हर महीना, और इन 107 महिलाओं को रोज़गार के अवसर मिले और हम लोग 10 से 12 लाख का टर्नओवर करते हैं पर मंथ। पर्यावरण को बचाने के लिए भी ये सहायक हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एक साथ 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। एक, हमने सूखे पत्तों को जलने से बचाया, क्योंकि जलने से और से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, और दूसरी तरफ हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनाने में काफ़ी ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो इस प्रकार से हम एक डबल सपोर्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के लिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ साथ हमको गाँव में महिलाओं को अनेक संख्याओं में हमको रोज़गार का भी अवसर मिल रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। देखा आपने, छोटी सी कोशिश जो एक बड़ी बात बनकर सामने आई, और पर्यावरण को बचाने तक का जो लक्ष्य है उसको भी साधने में मदद मिली। कैमरा पर्सन तजेंद्र सिंह के साथ मनोज जोशी, जी मीडिया चंडीगढ़। स्कूल जो है अब TEDx का जो है वो उसके साथ जुड़ गया है, तो हमारे साथ दीक्षांत स्कूल के चेयरमैन मितुल दीक्षित जी हैं। दीक्षित साहब, क्या है पूरा प्रोग्राम आज का, और TEDx के साथ किस तरह का संबंध है आपका? ये हमारा चौथा एडिशन है TEDx का। लाइसेंस ये होता है, तो स्कूल के नाम से लाइसेंस है जिसको कहते हैं TEDx दीक्षांत स्कूल। तो हर साल हमारी कोशिश रहती है कि 8 स्पीकर्स लेकर आएँ, जिसमें से उसके 8 से 8+2 होता है, 2 बच्चे स्कूल के जिनको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी टू इंस्पायर एंड क्रिएट दैट इमेजिनेशन अमंगस्ट द ऑडियंस। तो आज 8 स्पीकर्स जो हैं वो अलग अलग रीजन से, अलग अलग फील्ड से हैं, फोटोग्राफर्स हैं, एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फिर स्पेस साइंस से हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो है जिसको कि बच्चे एज वेल एज टीचर्स सुनेंगे एंड उनसे इंस्पायर कर सकें। किस एज के जो स्टूडेंट्स हैं या क्लास के स्टूडेंट्स को यहाँ लगाया गया? 9 to 12th क्लास के बच्चे हैं, और कुछ बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनने को मिली कि कैसे इन लोगों ने अपना पैशन जो था वो कंटिन्यू किया अपने करियर्स में, और किस तरीके से हाउ दे लुक एट लाइफ एंड व्हाट इंस्पायर्ड देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग। सम बहुत ही एक्सेप्शनल मिक्स है आज, एक एनवायरनमेंट उससे भी रिलेटेड, तेरी के सीनियर डायरेक्टर हैं, इज टॉकिंग अबाउट यू नो हाउ एनवायरनमेंट, हाउ व्हाट बेस्ट वी कैन डू विद एनवायरनमेंट। देन एक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं जो कि इनोवेट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये सब स्टोरीज हैं जिससे कि बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, और बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इंस्पायर करने के लिए ऐसे वक्ता जो कि अपने अपने फील्ड में माहिर हैं उनको इनके समक्ष पेश किया गया है, ताकि सभी प्रकार की जो बच्चे हैं वो आगे जाकर कोई ना कोई फील्ड अपना
चयन कर सके। कैमरा पर्सन गुरजन तेजिंदर सिंह के साथ नो जोशी, जी मीडिया, चंडीगढ़। मुझे उनके उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी लगी, उनके कैसे वो इनोवेट करते हैं, लाइक साजी वर्गीस, उन्होंने बताया कि कैसे हम हर छोटी चीज़ में से इनोवेशन कर सकते हैं, लाइक हाउ मींस हाउ वी कैन सी वर्ल्ड इन डिफरेंट टाइप्स, एंड इट वाज रियली वेरी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, एंड हाउ वी कैन फेस दोज चैलेंजेस, ओवरकम दोज चैलेंजेस विच वी फेस इन आवर डेली लाइफ्स। इन्होंने एक्चुअली बताया कि अपने मतलब जो ड्रीम करते हैं, जैसे मृदुल महेंद्र, उन्होंने हमें बताया कि जो हम ड्रीम करते हैं, हमें उसको मतलब बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही कर पाओगे, तो जितना बड़ा सोचोगे तभी आप कुछ बन पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम अगर सपोजिसली हम अगर नीचे हैं, मतलब हम एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, तब भी हम अगर बड़ा सोचें और कुछ करने की हिम्मत करें, लेकिन उसको करना ही है ना कि ये नहीं बोलना, तो वो एग्जीक्यूट करना सीधे।